नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुबह हो गया है और सुबह होने के साथ साथ हम आपके सामने गेम समझिए लेकर के आते हैं। आज जो गेम समझने की ज़रूरत है, जिस तरह से बिहार की राजनीति का ये पहलू आप तक भी पहुंचा होगा, लेकिन इसका असर क्या होना है, ये बातें आज मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताऊँगा। इसको लेकर के बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार का पैर पीछे खींच रहे हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बालू की रेत पर चल रहे हैं, जितना डेग आगे बढ़ाते हैं उतना ही पीछे होते जाते हैं। और यही नहीं, जब बालू के रेत पर चलेंगे तो मुट्ठी में बालू ही आएगा, वो भी धीरे धीरे सरकता जा रहा है। नीतीश कुमार प्रयास तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी जरूर बढ़ी है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। पहला तो ये कि क्या प्रधानमंत्री के चुनाव में अगर विपक्ष जीत जाता है, इतना संख्या आ जाता है, 272 पार कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा। दूसरा, नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि उन्हें प्रधानमंत्री और किसी भी पद का कोई लालच नहीं है, उनका मकसद सिर्फ एक है और वो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारना और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ देना। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की रणनीति और जो उनका रास्ता है, जिस तरह से स्ट्रेटजी बना करके वो चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। लेकिन ऐसे तीन मामले हैं जिन मामलों के कारण नीतीश कुमार को और महागठबंधन को कभी भी झटका लग सकता है। और जैसे ही नीतीश कुमार को झटका लगेगा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है देश भर में विपक्ष को एकजुट करने का, वो ध्वस्त हो जाएगा। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार एक फैसला लेकर के, जो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस तरह के फैसला लिए जाने के लिए नहीं लिए जाने के लिए जाने जाते हैं, और ये फैसला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर परेशान कर रहा है, और ये फैसले को लेने के लिए वो खुद नहीं बल्कि उनके इर्द गिर्द अगल बगल के लोग, उनके पंचरत्न हैं, उनमें से किसी ने उकसाया और उन्होंने फैसला ले लिया। क्योंकि जब आप जानते हैं पानी में आदमी डूबने लगता है तो हाथ पैर सीख तक मिलता है तो उसको भी समझ लेता है कि ये हमको पार करा देगा, हमको बचा लेगा। नीतीश कुमार जिस तरह के राजनीतिक माहौल में जिस तरह से चौराहे पर आकर के खड़ा हो गए थे, वहाँ उनके लिए रास्ता था मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की बात माने। नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि इस बार जो उन्होंने स्विच किया है एनडीए से महागठबंधन की तरफ, उसमें उनकी कोई व्यक्तिगत मंशा नहीं थी, बल्कि ललन सिंह और बिजेंद्र यादव ने उन्हें ऐसा करने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने स्विच तो कर लिया, लेकिन इसी बीच में जो तीन कारण हम बता रहे हैं आपको, उसमें सबसे पहला गलती नीतीश कुमार ने कर दी, या हो सकता है कि नीतीश कुमार ने ठीक किया हो, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए वोटों का जुगाड़ करना जरूरी था और जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं उन वोटों को कैसे जुगाड़ किया जाए। हालांकि आंकड़े तो बता रहे हैं कि MY समीकरण जुड़ने के बाद नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है, लेकिन तब भी उन्हें वोटों की जरूरत है और आनंद मोहन को जेल से रिहा करवाए। हालांकि आनंद मोहन चूंकि एक बड़ा नाम था, इसलिए आनंद मोहन पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। उनके साथ लगभग 3 दर्जन के आसपास लोग, 2.5 दर्जन के आसपास रिलीज हुए और उन लोगों की सज़ा माफ़ हुई, कानून में संशोधन हुआ, और यहीं आकर के नीतीश कुमार फंस गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जबरदस्त ढंग से प्रहार किया और आनंद मोहन वाले मामले पर अब मामला कोर्ट में चला गया है। कहा यह जा रहा है कि आनंद मोहन फिर से जेल जा सकते हैं और ये कानून निरस्त किया जा सकता है। लेकिन आनंद मोहन पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और वो, जब आप खबर सुन रहे हैं, उसके एक दिन पहले ही लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से मिले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला कहां लेकर के जाता है, और जैसा कहा जा रहा है कि आनंद मोहन के मामले में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है और 2024 के चुनाव में जो उनकी तैयारियां हैं उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस चीज की तैयारी पिछले 2 साल से नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो है जातीय जनगणना। जातीय गणना को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार 11 दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे थे। केंद्र ने इससे साफ इनकार कर दिया, कई तरह की बातें हुई और नीतीश कुमार ने इसे अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया। बिहार में जातीय जनगणना की बात हुई, लेकिन संवैधानिक अड़चन के कारण इसे जातीय गणना नाम दिया गया और इसके 80% काम हो गए थे। इन 80% कार्यों में कई तरह की बातें सामने आई,
और नीतीश कुमार बहुत खुश थे कि इसके आधार पर वो आगे ऋण नीतियाँ बनाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि किस जाति का क्या आंकड़ा है। इन सारी बातों पर जब चर्चा हो ही रही थी, इसी बीच में इस मामले पर भी एक केस दर्ज हो गया, और केस दर्ज होने के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, उसको हम आंकड़ों के हिसाब से यदि आपको समझाएं तो इसमें आपको नज़र आएगा कि 18 फरवरी 2019 को विधानसभा में जाति आधारित गणना को लेकर के प्रस्ताव पारित कराया गया था। 20 जुलाई 2021 केंद्र ने संसद में कहा कि जातियों की गणना नहीं होगी, इसके बाद बिहार इस पर अड़ा। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हम आंकड़ों और डेट को इसलिए बता रहे हैं कि आपको फिर से रिकॉल हो जाए सब कुछ। 23 अगस्त 2021 को सीएम के नेतृत्व में बिहार के सभी दलों ने नेता जाकर के पीएम से मिले थे। उसके बाद 6 दिसंबर 2021 को नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना कराने का ऐलान कर दिया था। ये तब हुआ था जब सदन में खुद नित्यानंद राय, जो बिहार से आने वाले हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जातीय जनगणना नहीं कराया जा सकता है। अब इसको लेकर के मामला कोर्ट में चला गया है। 1 जून 2022 को जाति आधारित गणना के मुद्दे पर बिहार में सर्वदलीय बैठक हुई और फैसला लिया गया। 2 जून 2022 को कैबिनेट ने इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया और 7 जनवरी 2023 से प्रथम चरण का जनगणना, जातीय गणना आप कह सकते हैं, वो शुरू हो गया। इसको लेकर के भी कई तरह की बातें कहें, किस जाति को कितना नंबर मिला, किस जाति को क्या आंकड़ा मिला, किसको कितने नंबर पर रखा गया, ये सभी मामले हुए। भूमिहार समाज ने उसको लेकर के मामला भी दर्ज कराया। खैर, इन सारी बातों को लेकर के 4 मई पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना पर विराम लगा दिया। अब यहाँ से नया मामला शुरू होता है और नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए आने वाले 2024 में बड़ी अड़चन पैदा कर सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है जिस मामले को लेकर के नीतीश कुमार ने कभी 2017 में अपने आप को महागठबंधन से अलग किया था। मामला सबको पता है, आपको भी पता है कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उस समय नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि वो ट्रिपल सी से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, क्राइम, करप्शन और कॉमनलेंस। अब जबकि नीतीश कुमार आए हैं तो उन्होंने उसके निकलने का रास्ता अपना लिया है कि अब तक 5 सालों में कोई कार्रवाई तेजस्वी यादव पर नहीं हुई, जबकि आपको भी पता है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, विभिन्न जांच एजेंसियां, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहां हाजिरी देने जाते हैं तेजस्वी यादव, उनसे पूछताछ भी हो रही है और उन्हीं से नहीं उनके परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है। अब इन सारी बातों के साथ साथ एक और मामला जो सामने आया है, जिसमें आपने देखा होगा कि इसी तरह के एक मामले में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, ये भी बात आप जानते हैं, और ये एक टिप्पणी थी। उसी तरह की एक टिप्पणी तेजस्वी यादव ने 21 मार्च को कहा कि सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। अब इस मामले को लेकर के गुजराती समाज के लोग काफ़ी नाराज हो गए। 26 अप्रैल तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में केस दर्ज हो गया है। इसके साथ 1 मई को मामले में पहली सुनवाई हुई, शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया और 8 मई शिकायतकर्ता के सबूतों के साथ पेश होने के लिए कोर्ट में कहा गया। अब यह मामला पूरी तरह से चल रहा है और इस मामले में भी नीतीश कुमार पूरी तरह से फंसे हुए, उलझे हुए हैं। अगर तेजस्वी यादव को कोर्ट से सजा हो जाती है या फिर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है तो इस मामले में भी नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू और ट्रिपल सी की बात करते हैं, उनको परेशानी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इन सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है और जी कृष्णैया को लेकर के, जो आनंद मोहन के खिलाफ मामले दर्ज कराए गए हैं, जातीय गणना की बात नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उसने इस पर अड़ंगा लगाया है। तो तीसरी तेजस्वी यादव, पहले राहुल गांधी जो स्पीड से बढ़ रहे थे नरेंद्र मोदी की तरफ, उनको ब्रेक लगा दिया गया, और उससे भी बड़ी बात कि नीतीश कुमार के साथ साये की तरह चलने वाले अब तेजस्वी यादव पर भी मामला शुरू हो गया है। इसके अलावा अभी कई मामले हैं जो आपके सामने आएंगे, फिलहाल ये 3 मामले हैं जो नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं और उनके पैरों में जो लगातार तेजी से बढ़ रहे थे बेड़ियाँ लगा करके खड़ा हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इससे कैसे निपटते हैं। मामला अदालती है और ऐसी स्थिति में इन 3 मामलों में अदालत क्या फैसला देता है, इस पर नीतीश कुमार के आने वाले भविष्य जो है 2024 का चुनाव टिका हुआ है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, गेम समझाने की हमने कोशिश की, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके आधार पर ही ना हम आपसे बात करते हैं।
हमें जानकारी मिलती है कि आप हमें किस तरह से गाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।